आज के दौर में भी कुछ लोग ग्राम उद्योग को जिंदा रखे हुए हैं और उन पर आधुनिकता भी कुछ असर नहीं डाल पाई है। यही कारण है कि उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की बेहद मांग है, जिसका जीता जागता उदाहरण है राजगढ़ रोड पर स्थित पंत रंग उद्योग, जिसमें ठाकुर पंत न केवल ट्रंक बनाता है बल्कि वह हमाम, हवन कुंड, डस्टबिन भी बनाते हैं, जिससे लोग न केवल सोलन से बल्कि साथ लगते जिलाओं से भी खरीदने आते हैं। इस लघु उद्योग में उन्होंने न केवल अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत किया है बल्कि वह अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान कर रहे हैं, साथ ही वह अपने युवाओं को भी हुनर प्रदान कर रहे हैं ताकि हिमाचल की परंपराएं और लघु उद्योग आधुनिकता की दौड़ में पीछे न रह जाएं। वहीं इस बारे में ठाकुर पंत ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि वह पिछले 30 वर्षों से इस कारोबार में जुटे हुए हैं और उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की शिमला, सोलन, सिरमौर में भी भारी मांग है। उन्होंने कहा कि वह कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, साथ में वह अपने हुनर को भी जिंदा रखने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेशक आज लोग आधुनिक और मॉडर्न उत्पाद पसंद करते हैं, लेकिन उनके उत्पादों को चाहने वालों की भी कमी नहीं है। यहाँ जो है हम ट्रंक पेटी की दुकान 18-20 साल से हम लगातार यहाँ काम का दुकान किया हुआ है और काम चला रहे हैं। काम लोग जो है यहाँ से राजगढ़ हो गया, शिमला हो गया, नौराधार, इधर राजगढ़, इस चारों तरफ से लोग आते तो है, पर जैसे पहले काम था उतना काम नहीं है। जैसे शादियों में जो है अभी भी ट्रंक पेटियाँ हो गई लोग देते हैं। शहर में तो चलो जगह नहीं होता, इस करके लोग शहर में लोगों ने कम कर दिया, पर गांव में तो अभी भी रिवाज है ट्रंक पेटी का। जो है पहले की तरह तो नहीं है, पर फिर भी रिवाज है। रोजगार का साधन तो ठीक है, पर अब इतना काम रहा नहीं, मेहनत करना लोग इतना चाहते नहीं है। सीख रहे हैं काम, जैसे कोई बेचारे घर में इतने पढ़े लिखे नहीं है, उनका गरीब परिवार में से जो है वो लोग थोड़े आते हैं, सीखते सीख के भी बहुत गए, हमने बहुत सिखाया।